अगर आपके पास एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट नहीं है या कोई जिम नहीं है लेकिन फिर भी खुद को फिट करना चाहते हैं, तो ये वाली चार एक्सरसाइजेस करके आप अपनी बेसिक स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं। कौन सी हैं ऐसी वो चार एक्सरसाइजेस, आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन सो दैट आप आने वाली सारी वीडियो टाइमली देखते रहें, सीखते रहें और खुद को फिट करते रहें। नंबर वन एक्सरसाइज जो आपको अपने घर में रह के बिना इक्विपमेंट के फिट कर सकती है वो है स्क्वाट। यस, स्क्वाट ऐसी एक्सरसाइज है जो आप अपने बॉडी वेट के साथ कर सकते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके घर में पड़ा है, वो वाटर बॉटल हो सकती है, वो बकेट हो सकती है, इनफेक्ट एक छोटा बच्चा भी आप उठा सकते हो, उसके साथ आप स्क्वाट कर सकते हो, तो आप अपनी स्क्वाट को चैलेंजिंग बना लेते हो। जब आप स्क्वाट करते हो प्राइमरली आप अपने लोअर बॉडी के मसल स्ट्रेंथ करते हो, तो ये एक्सरसाइज हम सिर्फ पतले होने के लिए नहीं कर रहे, ये एक्सरसाइज सिर्फ टांगे मजबूत दिखाने के लिए नहीं कर रहे, डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज काम आती हैं, उठना और बैठना, जमीन से उठना, खड़े होना, कुर्सी से उठना, कुर्सी पे बैठना, उन सब में ये एक्सरसाइज काम आएगी। आपने देखा होगा ओल्ड एज लोग जिनकी नी की कंडीशन खराब है वो कैसे सपोर्ट लेके खड़े होते हैं, क्योंकि उनके लेग्स के मसल नहीं है, तो ये एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली इंक्लूड करनी है जो आपके लोअर बॉडी के मसल्स को स्ट्रांग करेगा। दूसरी एक्सरसाइज है पुशअप्स। अब पुशअप्स आपको लगता होगा कि आपने पहले नहीं किए तो शायद आप नहीं कर पाओगे, नहीं, आप पुशअप्स कर सकते हो, क्योंकि पुशअप सिर्फ एक वर्जन नहीं है, उसके बहुत सारे वर्जन हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंक्लाइन पुशअप करते हो तो ये रेगुलर पुशअप से इजी है, इनफैक्ट आप ऑन द नीज पुशअप्स करते हो तो वो इंक्लाइन पुशअप से भी इजी है, तो आप अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से पुशअप कर सकते हो जो आपके चेस्ट के मसल्स को, शोल्डर के मसल्स को, ट्राइसेप्स के मसल को, इनफैक्ट आपके कोर के मसल को भी स्ट्रांग करने में हेल्प करता है। नॉर्मल इंसान जो बेसिक मूवमेंट करता है दैट इंक्लूड पुश एंड पुल, यानी कि हम या तो चीजों को पुश करते हैं या चीजों को पुल करते हैं, तो उस बेसिक पुशिंग स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए पुशअप आपकी डेफिनेटली हेल्प करे। तीसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है पुलिंग एक्शन। आपकी बॉडी का सबसे बड़े मसल्स में से एक आपके लैटिसमस डॉर्साई, यानी कि आपके बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, इनफैक्ट बैक के जितने भी मसल्स हैं वो इस एक्सरसाइज से तगड़े होंगे, ना सिर्फ बैक के मसल, आपका सबसे फेवरेट बाइसेप्स का मसल भी इस एक्सरसाइज से स्ट्रांग होगा और आपके फोर आर्म के कुछ मसल इस एक्सरसाइज से ट्रेन होंगे। ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले बताया हम पुश करते हैं या हम पुल करते हैं, तो ये सारे मसल आपको अपनी तरफ चीजों को खींचने में हेल्प करेंगे, लेकिन घर पे आप पुलअप्स कर सकते हो। हो सकता आपको लगे कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है पुलअप्स करने की, कोई बात नहीं, इसका भी सलूशन है, आप इन्वर्टेड पुलअप से शुरू कर सकते हो। तो अगर आप इस तरह से पुलअप करते हो इन्वर्टेड, ग्रेजुअली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका जैसे जैसे वेट कम होगा आप शायद पूरी बॉडी को पुलअप करने के काबिल हो जाएंगे, सो दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज स्ट्रेंथ इन योर पुलिंग मसल्स, आपकी बैक और बाइसेप्स के मसल। तो इस एक्सरसाइज को कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी पोस्टीरियर चेन को स्ट्रांग कीजिए। चौथी एक्सरसाइज है लंज एक्सरसाइज, यानी कि सिंगल लेग पैटर्न। अनलाइक स्क्वाट इसमें आप एक पैर आगे और एक पैर पीछे रखते हो और इसमें ऑलमोस्ट वो सारे मसल इन्वॉल्व हैं जो स्क्वाट में इन्वॉल्व हैं, आपके क्वाड के मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग के मसल्स, आपके ग्लूट के मसल्स, तो इसको करने के लिए भी आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। यस, एक सही स्टांस होना बड़ा जरूरी है जब भी आप लंज करते हो, मेक श्योर कीजिए कि दोनों पैरों के बीच में दूरी रहे, वो एक लाइन में कभी नहीं आनी चाहिए, सो आप बेटर बैलेंस कर पाओगे। तो ये एक्टिविटी है जो आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को और बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि ये आपको बैलेंस में भी हेल्प करती है। इनफैक्ट जब हम वॉक कर रहे हैं वो सिंगल लेग पैटर्न की एक और एग्जांपल है, तो लंज उसी को मिमिक करता है, तो उस पैटर्न को और स्ट्रांग करेगा, आपके लेग्स के मसल को और स्ट्रांग करेगा। और डे टू डे एक्टिविटी में कई बार हम एक पैर आगे और पीछे करके भी जमीन से चीजें उठाते हैं, तो उसमें भी ये एक्सरसाइज डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो भी आप ये चार एक्सरसाइजेस करके अपनी बॉडी के ज्यादातर मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनके एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं, जो ना सिर्फ उन मसल को स्ट्रांग करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाएगा, आपके वेट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा, और बढ़ती हुई उम्र के साथ ये मजबूत मसल आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे डे टू डे एक्टिविटी में।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना नहीं भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। होप दैट हेल्प्स।